Dear Automotive Service Trainers, a very warm welcome to your Automotive Offline class. We are studying 7th and the last unit of your vocational subject, that is Innovation and Development in Automobiles. Today we will discuss something about new developments and innovations in engine. Well, students, हमने इस यूनिट में नए इनोवेशंस, नए डेवलपमेंट्स पढ़े जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, हाइब्रिड कार्स, बायोमास बीइंग यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल सेल्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द इंजन। अब हम इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे जो हमारे इंजन को लेके हुई है, जो हमारी कार टेक्नोलॉजी को लेके हुई है, सम न्यू इनोवेशंस, सम लेटेस्ट इनोवेशंस इन इंजन डेवलपमेंट एंड सेफ्टी। तो इसमें कार टेक्नोलॉजी इज फोकसिंग इंक्रीजिंगली ऑन सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड द एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा कि जो ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए है। व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं एक इंसान के कंफर्ट के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैजर्डस है, क्योंकि इनसे इमिशंस निकलते हैं, कुछ ऐसे इमिशंस जो पॉइजनस गैसेस के साथ निकलते हैं और हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। तो कार टेक्नोलॉजी जो है, इट्स मेनली फोकसिंग ऑन द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट। तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स, ऐसे इनोवेशंस आए हैं हमारे इंजन टेक्नोलॉजी में कि जिससे सिर्फ सेफ्टी, एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट पे फोकस हो, कि कैसे हम पोल्यूशन को, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करेंगे, इमिशंस को कम करेंगे, हम क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या आइडियाज, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे कार टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें सबसे पहले है इंजन डेवलपमेंट। इंजन में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, इंजन में जो मेन चीज हुई है, दैट इज व्हीकल डाउन साइजिंग। व्हीकल डाउन साइजिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ट्रांजिशन हो गया है व्हीकल्स का फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। एक ऐसे सेगमेंट की तरफ व्हीकल्स को ट्रांजिशन हुआ है कि जिसमें फ्यूल इकोनॉमी इंक्रीज हो और इमिशन लेवल्स डिक्रीज हो। तो इंजन डेवलपमेंट को लेके ये मेन इनोवेशन आई है। कार्बन इमिशंस हैव बिकम एन इश्यू ऑफ कंटेंशन फॉर न्यू एंड यूज्ड कार ओनर्स। मोटरिस्ट्स आर बीइंग एनकरेज्ड बाय बोथ पॉलिटिशियंस एंड द मीडिया टू डाउनसाइज देयर व्हीकल्स एंड रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट। Many manufacturers have changed their engine and reduced carbon dioxide emissions, tailpiece emission. BMW, Mini Cooper Diesel, Mercedes-Benz and many more have adopted new technologies in their engine. क्या है कि motorists जो हैं, जो भी इनके साथ deal करते हैं, उनको बहुत encouragement मिली है politicians से और media से कि वो अपने vehicles की downsizing के लिए चले जाएं, व्हीकल्स की ट्रांजिशन के लिए चले जाएं, एक ऐसा प्रैक्टिस कि जिसमें वो ऐसे नए नए आइडियाज यूज करें कि हमारा फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस जो है वो कम हो जाएं। व्हीकल डाउनसाइजिंग क्या है, एक रिजल्ट है कार मैन्युफैक्चरर्स के एक ऐसे अटेम्प्ट का जिसमें ज्यादा इफिशियंट व्हीकल्स बने जिनसे कम इमिशंस निकले, इमिशंस उस हिसाब से निकले जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब की गई है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, लेजिस्लेटिव की स्टैंडर्ड्स जो है हमारे बने हुए हैं कि किस लेवल तक हमारे इमिशंस निकलने चाहिए। अगर उस लेवल तक इस इंजन से इमिशंस निकले तो ठीक है, अगर ये इंजन उस लेवल से ज्यादा इमिशंस दे रहा है तो इट इज हैजर्डियस एंड इट्स प्रोन टू क्रिएट दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसलिए हमें उस वक्त हमारे इंजन के, हमारे व्हीकल के डाउनसाइजिंग के लिए चले जाना चाहिए, उनकी ट्रांजिशन के लिए चले जाना चाहिए, नए आइडियाज हमारे इंजन में लगाने चाहिए जिससे कम इमिशंस निकले। और ये चीज कहाँ पे अभी है प्रैक्टिस में, किन किन कार्स में है, BMW, मिनी कूपर डीजल, मर्सिडीज बेंज, इन्होंने अडॉप्ट की है अपने इंजन में नई टेक्नोलॉजीज जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत हद तक कम हो गया है। दूसरा जो है कार टेक्नोलॉजी को लेके इनोवेशन, दैट इज रिगार्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल।
हमें पता है कार्स कितना आजकल ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है ऑन अ लार्ज स्केल और कितनी रोड्स पर कंजेशन होती है, क्योंकि ये एक नीड बन गई है हर एक इंडिविजुअल की कि वो अपनी गाड़ी ओन करे, अपने ऑफिस अपनी गाड़ी में जाए, अपने बिजनेस पे अपनी गाड़ी में जाए। तो अब जब सबकी एक जरूरत बन गई है तो हमें सोचना चाहिए हर एक की कन्वीनियंस के बारे में, हर एक की सेफ्टी के बारे में। तो उसमें जो पहला इनोवेशन आया है दैट इज रिलेटेड टू द ऑटोमेटिक पार्किंग। द व्हील्स का फर्स्ट ड्रीम विल सून बी पॉसिबल इन अ होल रेंज ऑफ लक्जरी कार्स। वन विल हैव टू सिंपली ड्राइव अलोंग अ रो ऑफ पार्क कार्स एंड द सिस्टम वुड डिटेक्ट अ स्पेस बिग इनफ फॉर द व्हीकल टू स्क्वीज इनटू। No intervention would be required for the driver's end. The driver could even take their hands and feet off everything and watch in astonishment as the car parks itself. Automatic parking, आप लोगों ने सुना होगा, ये एक autonomous car maneuvering system है जिसमें क्या automatically एक vehicle traffic lane से निकल के parking spot तक पहुंच जाता है और बिल्कुल parallel, perpendicular और angle parking को फॉलो करता है। मतलब बिल्कुल ऑटोमेशन होती है इस पार्किंग के अंदर। ये आजकल बड़े बड़े जो है हमारे सिटीज उनमें ये देखा गया है, ऑटोमेटिक पार्किंग आई है इन दिस प्रैक्टिस। तो ऑटोमेटिक पार्किंग में क्या है, उसमें ड्राइवर का कोई इंटरवेंशन नहीं है, उसको इंटरवीन नहीं करना होता है। ऑटोमेटिकली जो गाड़ी है वो आपके जहां पे भी आप चाहे इसको पार्क, जहां पे भी चल रही है ट्रैफिक लेन में, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पार्किंग स्पॉट तक पहुंच जाती है। बिल्कुल आपको कंफर्ट टू एनहांस योर कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ ड्राइविंग। तो कंस्ट्रेंड एनवायरमेंट्स में, बिल्कुल लिमिटेड एनवायरमेंट्स में विद लिमिटेशंस, ये बहुत एक्सपीरियंस और अटेंशन के साथ स्टीर होती है गाड़ी अपने उस पार्किंग स्पॉट तक। दिस इज नोन एज ऑटोमेटिक पार्किंग। ये बहुत ही अच्छा इनोवेटिव आइडिया है कंजेशन से बचने के लिए। हमारे गाड़ी को पार्किंग करते वक्त जो हमारा इतना टाइम चला जाता है और फिर उसे वापस निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है बड़े बड़े कंजेस्टेड एरियाज में, तो वहां पर ये ऑटोमेटिक पार्किंग इन प्रैक्टिस लाई गई है। बिल्कुल ऑटोमेशन से हमारी गाड़ियां पार्क होती हैं। सो दिस इज वन मोर इनोवेशन इन आर कार टेक्नोलॉजी फील्ड। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।